फ्रेंड्स यहाँ पर हो गई थी पैकिंग और हम लोग ने आके सब कुछ फैलवा दिया। वाह यार अच्छा लग रहा है ना, जब हाथ पे आएगा दुल्हन के। इतने बड़े बड़े चल रहे हैं क्या आजकल? हाँ मैं आपको एक बात और बताने वाली हूँ कि मेरी फ्रेंड की भी शादी है जिसकी मैंने एंगेजमेंट किया आप लोगों को। ये देखिए जो हम शॉपिंग करके लाए थे, चलिए आपको दिखाते हैं कि हम क्या क्या शॉपिंग करके लाए थे। तो सबसे पहले तो हम ये सैंडल जो है वो खोलते हैं, दिखाते हैं आपको। देखिए ये, तो चलिए पहले हम खोलते हैं अपनी बेली को। तो ये जो है सिस्टर लाई अपने लिए बेली। ये देखिए ये कुछ ऐसी है, बनी है, कैसी लग रही कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये डेली के लिए एकदम परफेक्ट है। तो चलिए अब सूट दिखा देते हैं हम आपको। तो ये एक सूट हम लाए थे, ये देखिए ये सूट कुछ इस तरह से बना हुआ है। मैं इसका दुपट्टा आपको दिखाती हूँ, इसका दुपट्टा बहुत प्यारा है। ये देखिए ये दुपट्टा देखिए कितना प्यारा सा है। तो ये हम एक लाए हैं दुपट्टा सूट सॉरी, और इसका जो पैंट है वो कैसा है, इसका पैंट कहाँ है, ये इसका पैंट भी इसी कलर का है, मैजेंटा। ये जो है मैजेंटा कलर। यहाँ पे कुछ कॉस्मेटिक की चीज़ें भी लाई हूँ मैं। एक ये लिपस्टिक लाई हूँ, न्यूड शेड है, और ये एक डार्क शेड है, और ये एक बेबी क्रीम है, और ये एक नलकी मेरे सूट की है जो कि मैं आपको बाद में दिखाऊँगी। चलिए इसका शेड दिखाते हैं आपको। इसका शेड है ये मैरून, इसका शेड है कुछ रेडिश स्ट्रॉबेरी शेड है इसका। ये चप्पल है अम्मी की। अम्मी अपनी चप्पलें देखिए बताइए कैसी लग रही है आपको, हम लोग लाए आपके लिए। तो जी ये रही अम्मी की चप्पल, और अम्मी को अपनी चप्पल बहुत ज़्यादा पसंद आई। और ऐसा नहीं कि हम पहली बार उनके लिए, ऐसे पहले भी उनके लिए ला चुके हैं, उनको वो भी पसंद आई थी और उनको ये चप्पलें भी बहुत ज़्यादा पसंद आई। कैसी लग रही है अम्मी चप्पल? अच्छी लग रही है जी। मैं अपनी स्लीपर लेकर आई हूँ, लाई हूँ ये तीन स्टॉल। एक ये है पिंक कलर की, और एक ये है येलो, एकदम लाइट ऑफ वाइट नहीं, लाइट येलो कलर। ये देखिए इसका जो फैब्रिक है ना वो बहुत अच्छा, और एक ये कलर है देखिए, ये कलर ही बहुत ही प्यारा है। मैंने सारे कलर जो है वो लाइट अभी इसको वॉश किया, वॉश करके इसको मैंने आयन करा। ये देखिए आयन करके मैंने सब इससे रख दिए हैं, और अब ना मैं क्या करूँगी इसमें कुछ करूँगी एक्सपेरिमेंट। तो भाई क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, तो इसमें कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करना तो बनता ही है। सिंपल है, थोड़ा सा पार्टी वेयर मुझे इसको बनाना है, तो पार्टी वेयर बनाने के लिए इसमें कुछ क्रिएटिविटी तो करनी पड़ेगी। तो मैं इंशाल्लाह बहुत ही जल्द इसमें कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी करूँगी, और जो है वो आपसे शेयर करूँगी, आपको दिखाऊँगी जो भी मैं करूँगी। क्योंकि आपको पता है कि मैं हिजाब लेती हूँ पार्टी में, तो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था इसको लेना। ये ऐसे शेड्स है ना आपके सारे सूट्स में चल जाता है, आप कोई भी पार्टी में सूट पहनो सब पे चल जाता है, लाइट शेड का ये एक फ़ायदा होता है। इसकी सफाई होगी आज, मैं सारे फ्लावर्स धुलूँगी, और ये वाला फ्लावर जो है ये भी धुला जाएगा, और इसकी सफाई होगी, और ये जो एक फ्लावर है इसकी भी सफाई होगी, इसको भी मैं धुलूँगी। याला मैं धुल चुकी हूँ, इसमें मैंने लाइट्स भी लगा दी, और अब याला धुला जाएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सोचना लग रही थी बहुत ज़ोरों की भूख, और मुझे कुछ भी दिख नहीं रहा था, नज़र नहीं आ रहा था। तो अपी ने कहा एप्पल खा लो, मैं एप्पल नहीं खाती, मुझे इतना शौक नहीं एप्पल खाने का, लेकिन अपी ने कहा खा लो। तो मैंने कहा चलो खा लेते हैं। क्या कर रही हो तुम अपी? देखो हमने ये बनाया है सब, ये क्या है? कुछ ऐसे ही बैठे बैठे हमने सोचा, नेट पे देखा था कंगना, इसको बोल कंगना मांगा जाता है ऐसे, मांग हल्दी पे दुल्हन पे। अच्छा तो, कितना क्यूट लग रहा है यार ये, कैसे बनाया तुमने इसको? अरे हमने बना लिया बस ही बैठे बैठे। अच्छा ये सब लगाया है? सब मैंने किया अपने हाथों। वाह ये लेस, ये देख कितना प्यारा लग रहा है, क्रिएटिविटी मेरी है। तो यार तुमने बताया क्यों नहीं, हम वीडियो बना लेते हैं। अरे हमें याद ही नहीं, हमने बना लिया और हमें ध्यान ही नहीं। अरे यार सबको दिखाते हैं कि तुमने कैसे बनाया, याद आया वीडियो बना देते।
चलो लेकिन हमें लग रहा है नहीं, बस थोड़ा अगर तुम एक लैस और यहाँ पर एक और ऊपर लगा तो थोड़ा सा ऊपर उठ आएगी लैस, मतलब एक लैस यहाँ पे अगर थोड़ा डबल वाली थोड़ी डबल वाली थोड़ी ऊपर करके लगाती थोड़ा उठ उठ आता है ऐसे करके, ये हम कह रहे थे। कोई बात, अब बस ये बांधने वाला, इससे डोरी बना देंगे, डोरी बांधने की हाथ में ऐसे। अच्छा, इतने बड़े बड़े चल रहे हैं क्या आजकल? बहुत बड़े बड़े चल रहे हैं। इतना बड़ा देखा था तुमने? अभी हमने, हमने एक दुल्हन को देखा था, हमें अच्छा लगा, हमने चलो बनाते हैं। यार वहाँ गए, ये एच बना दिया, हल्दी वाला एच, हल्दी वाला एच है, जिसकी शादी उसका भी नाम एच। अच्छा हाँ, जिसकी शादी उसका नाम भी एच से है, इसके लिए अलग से ब्लॉग। हाँ, और आपको ब्लॉग आप ब्लॉग देखे, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें चैनल को और लाइक करें, शेयर करें, शेयर करें। और ये सारी चीजें जो है ना, ये किसकी शादी में किसको बांधेगा, कौन बांधेगा, ये सब चीजें आपको हल्दी वाले दिन ही पता चलेंगी इंशाल्लाह। तो जी मैं अभी जा रही हूँ अपनी कज़िन के घर, और मैं इससे पहले भी उनके घर जा चुकी हूँ, मैं ऊपर लिंक दे दूँगी, आप देख लीजिएगा। उनका घर तब कंप्लीट नहीं हुआ था, अभी उनका घर जो है तो ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत कंप्लीट हो चुका है। अगर हो थोड़ा बहुत बचा होगा, जो भी होगा, मैं चलते हैं, दिखाते हैं आपको कितना कंप्लीट हुआ और आपके साथ शेयर करेंगे उनका घर का टूर भी आज। तो चलिए हमारे साथ देखते हैं, और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं, बहुत ज़्यादा। देखिए ये कलाकारी, ये सीमेंटेड चूल्हा बनाया, बहुत अच्छा लग रहा है यार। तो उसमें सबसे पहले क्या बनेगा? रोटी, रोटी बनेगी भाई। ये कुछ प्लांट्स भी लगे हुए हैं यहाँ पर, गार्डनिंग। तो हम इब्राहिम के घर आ गए, इब्राहिम उधर साइकिल चला रहे हैं। इब्राहिम देख के, अल्लाह ये लड़का थप्पड़ मारेंगे हम बच्चों। यह देख के जान रहे हो तुम, धीरे धीरे चलाओ ना, इतनी तेज क्यों चला रहे हो? डर लगता है खुली छत से। हाँ डर तो लगता ही है यार, बस, बस। पूरी खुली हुई ना, चलो चलो इधर आ जाओ। हो गया, हो गया, हो गया। बस, बस, बस इब्राहिम हो गया, बस उतर जाओ, रख दो साइकिल। ये ऊपर की छत है, ये यहाँ से हम ऊपर आए हैं चढ़कर, ये जीना छत का, और इधर एक रूम बना, अच्छे से क्लीन विलीन होगा, और ये छज्जा बना है। ये क्या, एसी के लिए बना है ना, ये एसी के लिए बना है, और ये है छज्जा जिसको बैलकनी कहते हैं। यहाँ सब वही फैला पड़ा है, ये नीचे का एरिया, यहाँ बच्चे जो है खेल रहे हैं, और ये रही हमारी बैलकनी, है ना इब्राहिम? और ये रहा इब्राहिम। इब्राहिम से हाय, अस्सलाम वालेकुम, एवरीवन, फॉर एवरीवन। कैसे हैं आप सब, बोलो। हम सब खैरियत में, हमेशा रहते खैर। हम आपसे नहीं पूछ रहे, आप पूछिए लोगों से कि कैसे हैं आप सब। कैसे आप सब, हम तो हमेशा खैरियत में रहते हैं। हम तो हमेशा खैरियत में रहते हैं इब्राहिम। आज इब्राहिम से अच्छे से बात हो रही है, क्योंकि उस दिन हम लोग रात में आए थे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हो गई थी पैकिंग, और हम लोग ने आके सब कुछ फैलवा दिया है। अब हम आपको एक एक करके सारे सूट जो है वो दिखाते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हैं बैग्स, तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये सूट हमने सजा दिए हैं, देख लीजिए आप लोग, हमने पहले ही सजा दिया इसको। ये उधर बैग्स रखे हैं, ये सूट हैं सारे, ठीक है। तो ये जो सही है, हाँ जनमा ये देखिए मेरी कज़िन का घर, मैंने सोचा आपको दिखा देते हैं बाहर से टूर। चलिए अंदर चलते हैं। तो ये है गैलरी, ये है ड्राइंग रूम, तो ये है गैलरी, और ये है ड्राइंग रूम जिसको मैं भी आपको दिखाऊंगी वहाँ से। ये देखिए ये वॉशरूम है, ये किचन है, और ये भी काम थोड़ा बहुत चल रहा है, तो इसे प्लीज़ इग्नोर करना इसको।
और ये है किचन। किचन में क्या चल रहा है, क्या बन रहा है भाई? चाय। चाय बन रही है किचन। तो ये किचन भी नया नया काम चल रहा है। ये ऊपर के जीने हैं छत के, और ये भी पेंट वगैरह अभी हुआ है। मैंने बोला था काम चल रहा है, तो बहुत सारी तो चलिए इस रूम में दिखाते हैं आपको ये वाला रूम कैसे। तो ये रूम कुछ इस तरह से है। यहाँ पर सारा सामान है फैला हुआ है, जैसा कि आपको पता है शादी का घर है, सारा सामान ये जाएगा। और ये जो शेरवानी है इब्राहिम की, शेरवानी अभी दिखाते हैं आपको। तो ये कबर्ड है, और ये है बेड, ये है रूम का कलर, और यहाँ हमारे लिए लगा है नाश्ता। ये सभी सामान को इग्नोर करिएगा आप लोग, क्योंकि अभी शादी का घर है तो सब फैला पड़ा है। फिर से मांझे भी इंशाल्लाह आएंगे, तो इंशाल्लाह आपको सब पूरा मतलब सजा हुआ दिखाएंगे। फिर तो और अच्छे से सब कुछ भी करने को रहेगा, सब ब्लैंकेट। यहाँ पर हबीबा अपनी ब्लैंकेट दिखा रही है, ये बेडशीट है, सब कॉटन है ना, सारी कॉटन। तो हमने सारा सामान देख लिया है हबीबा का, ठीक है। ये भी बेड है, ब्लैंकेट है, ब्लैंकेट है, लाइट वेट है। ये लग रोना है, कह रहा सब कुछ अच्छा अच्छा मुइया अप्पी को आप दे रही है। इब्राहिम तुम रो रहे हो, गलत बात है इब्राहिम। काहे हो तुम्हें मुइया तो तुम्हारी इतनी अच्छी बनाना है, हम लोग खा के वापस आएंगे। और ये सबसे अच्छी मुइया अप्पी अकेले लेते हैं वापस आएंगे। ये वो है बेडशीट है, ये आएगी नहीं मुइया, वही रुक जाएगी। मुइया अप्पी इनकी आएगी, जरूर आएगी। अच्छी लग रही है, नहीं मंगानी पड़ेगी। तो ये है ड्राइंग रूम, जो कि मैंने अभी आपको नहीं दिखाया था। ये ड्राइंग रूम है, अच्छा। तो अब हम चलते हैं, ओके, खुदा अल्लाह हाफिज़। बेटी की जो है ये लगाने जा रही हूँ, ये देखिए ये टीकी है, ये लगाऊंगी अपनी स्टॉल में, पूरी लगा कर कंप्लीट करके आपको दिखाते हैं, ठीक है। ये मेरी स्टॉल है, ये देखिए मैंने टीकी लगा ली है, इसमें अपने स्टॉल में भी आधी लगी है, आधी बाकी रही है। तो मैं अभी ये कर रही हूँ काम। कैसा लगा आपको मेरा आज का व्लॉग? आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। और मैंने सोचा, मैंने आपको अभी तक शादी की डेट नहीं बताई है, तो मैं आपको बता देती हूँ। तो जी 30 यानी कि आज ही के दिन है मांझा, और कल है मेहंदी, और 2 को है बारात। और जो है आज हो गई सुबह सुबह बारिश, जब हम उठे तो हमने देखा कि बारिश हो रही है, तो थोड़ा सा वो हुआ कि यार बारिश कैसे हो सकती है, क्योंकि आज तो मांझा है और सर्दी भी आने वाली है, तो बारिश तो होनी है। खैर मौसम अभी साफ़ हो गया, हल्की सी धूप भी आ रही है। ये देखिए मैं हूँ, मैं इस वक्त छत पर हूँ, और मुझे छत पर ही बड़े आराम से मीटअप हो जाता है आपसे। देखिए मैंने स्वेटर पहन लिया, मतलब इतनी ठंड आ गई कि मैंने स्वेटर पहन लिया, मुझे कुछ ज़्यादा ठंड लगती है। और तबीयत भी कुछ दिनों से लो चल रही थी, इसलिए मेरा व्लॉग मैं कल ही अपलोड कर देती, यानी कि 29 को ही, लेकिन नहीं कर पाई किसी वजह से। और हाँ, मैं आपको एक बात और बताने वाली हूँ कि मेरी फ्रेंड की भी शादी है, जिसकी मैंने एंगेजमेंट के आप लोगों को वीडियोस दी थी, व्लॉग्स दिए थे, तो मैं उसकी भी शादी है, और उसकी शादी की डेट जो है वो 4 को है, 4 को उसकी बारात है, और मेरी कज़िन की 2 को है। उसका 2 को मांझा था, जो कि मुझे जाना था, लेकिन मैं नहीं जा पाऊँगी उसके मांझे में, क्योंकि उसका मांझा 2 को है और 2 को मेरी कज़िन की बारात है। और बाकी उसकी मेहंदी 3 को, मैं कोशिश करूँगी कि मैं 3 को उसकी मेहंदी में जाऊँ, आपसे शेयर करूँ। मैं उसके व्लॉग्स आपको अलग दूँगी, और अपनी कज़िन की शादी के व्लॉग्स आपको अलग दूँगी, और मेहंदी मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी उसकी जाने की, पूरे क्लिप्स आपको दिखाने की। और फिर उसके बाद हम अपनी कज़िन के बाद उसकी शादी इंजॉय करेंगे, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग व्लॉग्स आपको मिलने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर पहली बार आए हो, नए हो, और बहुत ही ज़्यादा मुझे पता है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ही देख रहे होंगे, और बहुत ही मज़े मज़े के व्लॉग्स आने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही देखना।
आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए खुश रहिए, दुआ में याद रखिए, बहुत सारी दुआओं के साथ हसन अपने लॉस को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफिज़।